और बकरा मेरा यही है, वो मैरिनेट कर दिया है। कोई बात बताऊं, वो रो रही और उसका मूड बड़ा ऑफ है आज ब्लॉग में, अगर गंदी शक्ल में दिखे तो समझ जाना। चीज आपके साथ शेयर करनी है वो शाम को ही करेंगे, कि जो हमने बोला था मम्मी कुछ प्लान करें, वो शाम को उसका डिस्कशन होगी। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, बहुत ही धुआंधार दिन शुरू हुआ है मेरे लिए भी, बच्चों के लिए भी। बच्चे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, हॉलीडे होमवर्क का काम ये देखो सारा निकल रहा है सब। अभी ना हल्का सा गिफ्ट देना क्योंकि अभी दिखाना नहीं है स्कूल में, तो अभी ये प्रिंट आउट निकाल रहा है। और आज फिर से वही गाड़ी आ चुकी है, मुक्ति ने कर दी है छुट्टी। कल अभी मैंने उसको समझाया था बेटा जी कि दीदी के आने से पहले छुट्टी कर लेना, वो नाइन्थ को बोला था वो आज ही करके बैठ गया, दिल पे ले लेती है कोई बात नहीं, मुक्ति एक छुट्टी तो करनी थी उसने कर लिया। और आज मैं बना रही हूँ शौर्य के लिए, और सना ने आज शायद जाना है आपके शायद क्या यार, लगता कि घर से नहीं निकलती, इसका प्रोग्राम सेट नहीं होता, मम्मा ऐसे नहीं होता, बनाती है खत्म हो जाता है, बनाती है कैंसिल हो जाता है। तो अब अगर अब लेके चलेगी जा रही है, और शौर्य के लिए मैं बनाऊंगी आज उसकी फेवरेट चाय, क्योंकि जाऊंगी आज तो जाके दिखाऊंगी, क्रेजी फैमिली वहां पे बैठ जाएगी। तो बने रहिए ब्लॉग को देखते रहिए। अभी कुणाल भी नहीं आया, ये गलत करता, कुणाल भी नहीं आया अभी, तो मैंने कहा अब इंट्रो तो ले ही लेते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग को देखते रहिए, कुणाल आता है तो मिलते हैं आपसे। क्रेजी फैम यहाँ बन रहा है शौर्य के लिए, ये डिमांडी बच्चा मेरा, ये बना रहा है वो मसाले वाला एग, वो हाफ फ्राई एग, नटेला ब्रेड। और अभी कोशिश कर रही है दोस्तों से टाई अप करने का, अभी कोई नहीं, एक तो होएगा ही कोई, अभी कुछ नहीं पता, जा बने रहिए और एंड तक। टोटल में तीन लोग जा रहे हैं, वैसे दो का पक्का नहीं है और एक ही है इसका पक्का है। प्रोग्राम बनाया गया है शौर्य का, प्रोग्राम जो कि बन गया था, अभी तो ये बोल देगी ना कि आपने उसको जाने दिया, तो मुझे तो अब तो मैं मना भी नहीं कर सकती, मना कर दूंगी ना, ये भी है यार। चाची मेरे को भी सीखना है, इतना मस्त लग रहा है वो भाई, मस्त है ना। अब इसको खा लू ऐसे ही, कच्चे प्याज को हल्दी रहेगा छोरू, ये देख। अब देखना, ये परफेक्ट ट्रिक है, मैंने सिखाई थी एक बार चाची को, यहाँ सब हर बंदा मेरे को सिखाता है, मैंने किसी को पूछा नहीं, ओ ये क्या हो गया, ऊप्स मोमेंट, राधे रुक जा, नहीं रुकूंगा, अब तो दिख गया पागल, कई बार हो जाते हैं अंडे गंदे है। कुणाल भी आ गया यार, पता नहीं चाची, कम ऑन नाइस, चलो कुणाल भी आ गया, चलो फेविकॉल खा के बताएगा इसको, वो करो ना, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। हाय चाची, एकदम मिली तरह खत्म हो गई है तैयारी शुरू चाप की, देखते हैं कैसी बनती है। और ये मैंने कहीं से सीखी है, और कहाँ से सीखी है ये ना, संभावना सेठ का मैं ब्लॉग देखती हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सिंपल सी लगी, और वो खाना बहुत अच्छा बनाती है जो मुझे लगता है ब्लॉग देख के, जैसे ट्राई किस होएगा, जैसे आपको लगता है कि मेरा देख के कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ खाना, तो उनका भी मुझे लगता है, तो उनकी ना ये रेसिपी बहुत सिंपल थी, तो मैंने कहा चल ट्राई करते हैं, और कुणाल ये शौर्य को खिलाते हैं, और बकरा मेरा यही है क्योंकि यहाँ पे ना चटोरा यही है, और कोई नहीं खाता, ये तो गंदा भी बनेगा तो भी मस्त बोल के खा जाएगा वो, तो मैं दिल रख देता हूँ, तो दिल रख देता है ना, ये भी एक कला होती है बेटा। मैरिनेट कर दिया है, अभी से दो मिनट फ्रिज में रखना है इधर ही, नहीं नहीं बस ऐसे ही रख देंगे ताकि थोड़े मसाले चले जाए, तंदूरी मसाला हम कोई भी यूज कर सकते हैं। और ये मैं निहारिका के लिए बता रही हूँ कि वो हर शान तंदूरी मसाला, कोई भी तंदूरी मसाला कर सकते हैं, नहीं मिलता दिल्ली में मिलता है, आओगे दिल्ली तो लेके जाना। यस बन गई, अब चाची टेस्ट करके देख रही है, सर सर बताना, सर सर अब शौर्य खाएगा। आपको एक बार बताऊं, सना का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, जैसा कि मैं तो मजाक कर रही थी, वो यार उसकी फ्रेंड के घर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए नहीं जा पा रही, अब वो रो रही और अपनी फ्रेंड से बात करी है, उसका मूड बड़ा ऑफ है आज ब्लॉग में, अगर गंदी शक्ल में दिखे तो समझ जाना भी, वो बाहर ना बात कर रही है, और बड़ी उसे और उसको खुश करने के लिए शौर्य बहुत सारे आइडियाज दे रहा है, जैसे शोरमा खाने जिसमें उसका बहुत सारा फायदा है। देखो क्रेजी फैम, बताया था ना सना का आज बहुत वो है, हैप्पी डे ब्लेस्ड डे, तो देखो और उसने हेड वॉश भी कराया है, कितने में वैसे कह रहे हैं, कितने प्रिटी लग रहे हैं उसके हेयर, अभी वो खाएगी आलू की परांठी, और रात को देखते हैं, रात को तो आज अभी वो टेस्टी टेस्टी नमक वाली परांठी खाएगी यार। चीज आपके साथ शेयर करनी है वो शाम को ही करेंगे, कि जो हमने बोला था मम्मी कुछ प्लान करनी है वो शाम को उसका डिस्कशन होगी, क्योंकि वो भी जरूरी है आपसे बताना, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, तैयारियां करनी है, तो एंड तक ब्लॉग को जरूर देखिएगा।
सना देखो शौर्य उसको राजमा भी ऑफर कर रहा है, दे दो शौर्य अगर सना ले रही है तो। सना नहीं खाना चाहती। कैसा बना सना? चाची खा ली। हाँ नमक जैसा। नमक जैसा। चलो अब मिलते हैं आपसे ग्रेजुएशन थोड़ी देर बाद। इतनी देर से होता है क्रेजी में गेट ना खटक रहा था और हमें लग रहा कोई आया है, कोई आया है। उसको आए हेलो सुखमनी इधर। हेलो सुखमनी आजा। अच्छा कल इसकी नानी बोल रही थी कल आएगी, मैं कहा चुपको मेजी मिलने की भी आएगी। चलो पहले हेलो क्रेजी फैम, हेलो क्रेजी फैम यहीं पे, हेलो क्रेजी फैम आई। चलो मैं अब मैं याद कर रही थी कब आए, तो लंच में क्या किया आपने बताओ। और ये देखो हॉलीडे होमवर्क हो गया आपका, शौर्य भैया का, शौर्य भैया ने बनाया है, है ना क्रेजी मैम? सुबह से शौर्य भैया ही बना रहा है। मीनवाइल मेरे को तैयार होना, मेरे को तैयार होना, मेरे को तैयार होना। क्रेजी मैम पागल हो चुकी है, इसका प्रोग्राम कैंसिल हो के वापस बना है। यार अब मेरी भी ट्यूशन कैंसिल करवाओ यार। नहीं शौर्य सना मेरी हेल्प कर, मैंने तेरी कितनी हेल्प की थी, तेरे को भी पता है। शौर्य भी तैयार हो चुका है, अचानक क्या हो गया ये इसके साथ। और ये सना ऑल सेट क्योंकि इसके फ्रेंड्स एक आधा आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहे, तो वो लोग क्योंकि कंफ्यूजन हो गई थी कोई, तो अब इसमें बीच में मजे आ गए हैं इस बंदर के। चाची नहीं खाते जो होता है, अच्छी है जो होता है, तो अब कर दूंगी। 7:30 आ रहे हो आप वैसे? अच्छा चलो चलो दोनों जा रहे हैं, अब आएंगे तो मिलेंगे आपसे, वहाँ क्लिप बना लोगे गादी? ठीक है चलो। बच्चों का बन गया अचानक प्रोग्राम, पहले बना फिर नहीं बना, फिर वो रोई, फिर मतलब बड़ा मूड तो अपसेट हो ही जाता है। कहने वाली बात होती है कि जो होता है उसमें अच्छा होता है, कुणाल उसको समझाया जाता है, बड़ा रोई भी। फ्रेंड्स का प्रोग्राम बना हुआ था यार, किसी के घर भी कोई भी ऐसी चीज हो जाती है तो नहीं बन पाता कई बार। मैंने उसको समझाया भी, पर वही है कि उसके बाद फिर बना और लास्ट में मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम दोनों भाई बहन होके आ जाओ, कोई उसमें वो नहीं है। उसका फ्रेंड भी आ रहा है, ध्रुव भी वहां से पहुंच चुका होगा और ये तीनों जाके मस्ती करके आएंगे। याशिका नहीं आ पाई क्योंकि उसका घर में कोई प्रॉब्लम थी पता नहीं, और कोई पैसिफिक उसको लगा कि सुभाष नगर जाना है, ये यहाँ इसको था कि यहाँ NSP जा रहे हैं, दोनों में वो ये भी मिसकम्युनिकेशन हो गई। फिर किसी दिन प्रोग्राम बना रहे कोई बात नहीं, बट आज उसको जाना ही जाना था, तो आज शौर्य के तो मजे आ गए बीच में तो शौर्य भी चला गया फटाफट। तो दोनों बहन भाई मैंने बोला था क्लिप्स बना के लाना, अगर लाएंगे तो अभी कुणाल को भी नहीं पता कि फिर कैंसिल होकर फिर चली गई है वो, तो दिखाते हैं आपको कि अगर क्लिप्स लाएंगे तो जरूर लगा दूंगी मैं आपके लिए। अब थोड़ी देर करती हूँ मैं रेस्ट और सोच रही कोई मूवी देख लूँ अकेले में, एक होता ना मी टाइम, आज दिल करा सैर नहीं करूँ, देखती हूँ करूँगी कि नहीं करूँगी या मूवी देखती हूँ, वो भी दिखाती हूँ आपको कौन सी देखती हूँ। मूवी लगा दी है बाजरे का सिट्टा, एमी वर्क की, देखते हैं। बच्चे नहीं है, बच्चे होते हैं ना पंजाबी मूवी नहीं देखने देते, तो अब देखती हूँ अपना मी टाइम, आज सैर नहीं करती, आज पिक्चर देख लेती हूँ। क्रेजी फैम आ चुका है, इसका एक सवाल था क्या पूछ रहा था उसका, फिर प्रोग्राम बन गया कहानी में उसका प्रोग्राम बन गया भी। देखो मैं पूरी कहानी बताऊंगी क्रेजी मैम, उसको कुछ नहीं पता, शौर्य को भी उसके साथ भेज दिया, तो वही तो कह रहा हूं। अभी बताती हूँ क्रेजी मैम, इसको जरा स्टोरी बता दो। और इसके हाथ में देखो क्या है, क्या लाया ये, इसकी वेट कर रहे थे और हमने अभी मैं पिक्चर देख रही थी वो बाजरे का सिट्टा, अभी दिखाती हूँ स्टोरी बताती हूँ। क्रेजी मैम ये समोसे लेके आ चुका है, जो आपको बताया था ना साइज से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, खाके बताती हूँ। और ये क्यों आए हैं मैं आपको इसका बता दूँ, हंसोगे भी हंसोगे नहीं, हमने 12th को सत्संग कराना है मम्मी ने गुरु महाराज जी का, और वो बड़े टाइम से उन्होंने सोचा हुआ था, डिले हो रहा था और सना के बर्थडे का काफी टाइम से सोच रही थी, पर बर्थडे पे हम चले जाते हैं, वो गुस्सा भी कर रही थी तुम चले जाते हो, मैं कहा हम तो चले जाते हैं, अब वो बाई चांस वो है, अब तो कराना उनके मुंह से निकला हुआ है तो कराना ही है। तो अब हमने 12th की डेट ले ली है, 12th को बाई जी आएंगी, हमारे मम्मी के यहाँ बाई जी होती है ये अनंतपुर धाम की, जिनको जो मानते हैं उनको पता होगा, बाई जी आएंगी सत्संग करेंगी, थोड़े बहुत जो आसपास के हैं फैमिली मेंबर्स भी बुलाएंगे। और उसके लिए हमें शाम को चाय के लिए समोसे चाहिए थे, जो हम दुकान से लेते हैं जहाँ के मुझे पसंद है, वहाँ मिस्ट्री मैन कह रहे थे नहीं वहाँ टेस्ट थोड़ा बदल गया, ये एक नई शॉप खुली है मेरे घर के उधर, तो एक कुणाल ने रिकमेंड किया टेस्टिंग के लिए आए हैं, बस 12 समोसे आज हमने टेस्ट करने के लिए मंगाया कि मम्मी कह रही मैं टेस्ट करूंगी, अगर अच्छे लगे तो ऑर्डर करेंगे, नहीं तो। और आज वही सत्संग के लिए शाम के लिए चाय बिस्किट नमकीन जो भी लाना है मम्मी को, मार्केट चलते हैं, बच्चे जा चुके हैं घर में है नहीं, जल्दी बुला लिया था कि जल्दी आओ समोसे की टेस्टिंग होगी, भैया को भी बुला लिया था, सब टेस्टिंग करेंगे, शादी होने वाली। दीदी पता यही कह रही थी, हम ना ये क्रेजी फैम सत्संग की बात कर रहे थे ना, दीदी कह रही ऐसे लग रहा है इतना बड़ा काम है हमारा ना, इतना सा काम करते हैं वो भी ऐसे स्केल पे हो जाता है,
कि पता नहीं क्या करना है क्या करना, तो अभी खा के बताते होंगे, दादी खा के बताएंगी। मैनू बड़ा पता लगना दादी बताएंगे, थोड़े गरम तेल पे टाइम लग गया। मिस्टर मैन बता दो ठीक है, मिस्टर मैन को ठीक लगे हां, उससे बेटर है, ठीक है अच्छा ठीक है दादी। यहां से अच्छा निकलवाना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी टफ। इसके बढ़िया ना बोलने, एनालाइज कर रही है दादी अभी, और कुछ नहीं पता टेस्ट का इनको, नमक तेज कम, पर पता क्यों नहीं नमक तेज, रणवीर बरार बनती है दादी ने बताया नहीं अभी तक, अभी वो उनको वर्ड नहीं मिल रहे होंगे ना, अभी थोड़ा सा टेस्ट सही से आता नहीं, और हम जैसा बंदा होता तो मुंह में डालते स्वाद आए ना, ओ मजा ही आ गया। ये देख पूरा समोसा खत्म हो रहा है मम्मी, ठीक है आए ठीक है, इनके मुंह से बढ़िया निकलता ही नहीं है इनका, ठीक है मतलब ठीक है चलो, ये अच्छा है कि राम जी वाला कौन सा मंगाना है, जड़ा मर्जी मंगा लो। चाची ने भी खा लिया है, कैसा लगा? ये देखो ये आ गई है सना, शौर्य आते ही शौर्य को सरप्राइज मिल चुका है। मैं बताती हूँ, पता है सर को मैंने मैसेज किया कि सर आज क्लास रहने देते हैं, और सर ने मैसेज नहीं पढ़ा, सर आ गए, और वो अभी आया, वो अंदर चला गया सीधा। एक चीज देखो, उसको लगा मजाक कर रहे हैं, मैं सिर्फ 2 पॉइंट से हारी हूँ और शौर्य लास्ट आया है बोलिंग में हमेशा की तरह, कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत मस्त था वहाँ पे, यहाँ पे भी हार गया बोलिंग में, ऐसे करते झूठ बोलता है, झूठे स्कोर बनाता है, शायद गटर मारता है, झूठ बोलता है। सर ने अभी सबको स्कोर दिखाया थर्ड वहाँ, ये बच्चे अब खाना नहीं खा रहे, डिनर नहीं कर रहे, इनका पेट भरा हुआ है, वहाँ से कोई क्लिप नहीं बना के इनको कहना बेकार है, तो अब रेस्ट कर रहे हैं, अब टीवी देख रहे हैं, कुछ देखेंगे अपना कुछ ना कुछ, तो अच्छा अब और तो कुछ हम कर नहीं रहे, बच्चे थक चुके हैं, तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं। See you in the next vlog. Till then, do like, share, and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Peace.